हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आए, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 22 फीट, और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लंबाई की, तो यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक जो हमारे पास मकान की लंबाई है वो हमारे पास है कि 45 फीट। तो 22 × 45 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 9 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तब पहुंचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 14 फीट। 10 बाई 14 का ये हमारा पार्किंग एरिया रहेगा, और इस तरफ हमारे पास है स्टेयर, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3 फीट बाई 6 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। तो यहाँ पर जो स्टेयर है हमारा बाहर की तरफ दे रहेगा, तो आप इसका फर्स्ट फ्लोर बनाकर रेंट पर भी दे सकते हो। फिर पार्किंग के सीधा यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फीट का। इससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फीट का दरवाजा है, और हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट 9 इंच, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है, और इसी ड्राइंग रूम का हम डायरेक्ट हम घर के अंदर भी एंटर हो सकते हैं यहाँ से। अब ड्राइंग रूम से आप इस बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास घर का मेन डोर है 4 फीट का। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 14 फीट बाई 17 फीट 3 इंच। 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 17 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई के अंदर ये हमारे पास रहेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। इसकी एक 3 फीट की विंडो सामने निकल रही है, और 2-3 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फीट का दरवाजा, ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 8 फीट, जिसकी 3 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। किचन से बाहर आते थे, यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर और 1 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी भी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर और 1 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 22 फीट मकान की चौड़ाई है, 45 फीट मकान की हमारे पास लंबाई रहेगी। यहाँ पर हमारे पास है 9 फीट का मेन गेट, ये हमारे पास पार्किंग, यहाँ पर स्टेयर, ये हमारे पास ड्राइंग रूम, यहाँ पर घर का मेन डोर, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर किचन, यहाँ पर टॉयलेट, ये हमारे पीछे घर की साइड 2 बेडरूम। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।